Page 134. Role of क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें क्या है? एक तो रॉ मटेरियल है और दूसरा उसके साथ साथ रिक्वायर्ड चीज़ें, एक क्लोरोफिल है जो कि लाइट एब्जॉर्ब करता है और एक क्या है, सनलाइट है जो अपना, आगे हम पढ़ते हैं कि वाटर की ब्रेकडाउन करते हैं. क्लोरोफिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है. क्लोरोफिल का जो जनरल फार्मूला जो उसका है वो क्या है, क्लोरोफिल ए जो सबसे एबंडेंट है, C57H72. हाँ, लेट मी राइट इट समवेयर हियर. C57H72O5N4mg. ये क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल ए सबसे जो एबंडेंट है उसका फॉर्मूला है. अब ये आप एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, नाइट्रोजन भी है. इट एब्जॉर्ब्स लाइट. अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स लाइट. फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड लाइट है वो दो किस्म के वेवलेंथ है, ब्लू और रेड वाला जो वेवलेंथ वाला लाइट है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है. और भी बहुत सारे रिक्वायर्ड है लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये दो कलर्स हैं, ब्लू और रेड वेवलेंथ वाला लाइट है. एंड कन्वर्ट्स इट इंटू केमिकल एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब सोलर एनर्जी कौन कैप्चर करते हैं? क्लोरोफिल. जो ग्रीन कलरिंग पिगमेंट्स हैं, हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो टाइलेफाइड है या फिर जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके ऊपर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लोकेटेड हैं. तो ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, रेड और ब्लू वेवलेंथ वाला लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, कन्वर्ट इट इंटू केमिकल एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज बनता है फिर द ग्रीन पोर्शन ऑफ सनलाइट. अच्छा, अब प्लांट्स हमें ग्रीन क्यों नज़र आते हैं? ग्रीन कलर प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो लाइट जब फॉल होता है प्लांट्स के ऊपर ग्रीन पार्ट्स उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसी तरह फिर हमें प्लांट्स का कलर नज़र आता है. तो द ग्रीन पोर्शन ऑफ सनलाइट इज मेनली रिफ्लेक्टेड, वो एब्जॉर्ब नहीं होता. दैट्स वाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन. यही वजह है कि क्लोरोफिल हमें फिर क्या, क्लोरोफिल हमें ग्रीन नज़र आता है. When क्लोरोफिल absorbs light, अब जब क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो अब इस लाइट का रोल क्या होगा? क्लोरोफिल तो लाइट एब्जॉर्ब कर गया, अब इस लाइट का रोल क्या है? इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड. क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, मतलब जब वो हाई एनर्जी गेन करते हैं. तो आपने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल से लोअर जो जो शेल है उससे हाई एनर्जी लेवल में जंप करते हैं. द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज यूज टू मेक ATP. फिर वो जब हाई से दोबारा लोअर लेवल की तरफ आते हैं तो वो अपनी जो एक्स्ट्रा उनके पास एनर्जी है उसको रेडिएशन के शक्ल में लूज करते हैं. तो उस रेडिएशन को, उस एनर्जी को फिर ये यूटिलाइज करते हैं और ATP उससे बनती है. इन प्लांट्स एंड एल्जी, प्लांट्स और एल्जी में क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. याद रखिए, प्लांट्स और एल्जी में हमने पढ़ा था, प्लांट्स में कि क्लोरोप्लास्ट जो का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्लोरोफिल को भी मेंशन किया था. वाइल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. फोटोसिंथेटिक जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनका क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है. और प्लांट्स और एल्जी में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनका क्लोरोफिल फिर या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कलर्स हैं आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर. क्लस्टर है और उस क्लस्टर को, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड फोटोसिस्टम्स. उसको हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं. फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम टू है. इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिस्टम वन और टू होता है. क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे एबंडेंट है, जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, तो वो क्या है, क्लोरोफिल ए है. अदर्स आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड इंक्लूड क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स, मुख्तलिफ किस्म के क्लोरोफिल्स हैं फिर जिनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, रिक्वायर्ड पिगमेंट्स हैं. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स मेनली ब्लू एंड रेड लाइट. जो ब्लू रेड लाइट रिक्वायर्ड है सबसे ज़्यादा वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है.
उसके बाद सम वेवलेंथ्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए एंड आर वेरी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड वाइस वर्सा। कुछ लाइट वेवलेंथ बहुत ज़्यादा और भी है जो कि रिक्वायर्ड है ग्रीन और सॉरी ब्लू और रेड के अलावा, लेकिन वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर क्लोरोफिल के आसपास एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं और वो एक्सेसरी पिगमेंट जो है वो रिक्वायर्ड जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, अब रोल ऑफ क्लोरोफिल को हमने डिस्कस किया। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, फिर उस वेवलेंथ को यूटिलाइज करता है, केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है, फिर उस केमिकल फॉर्म से मैकेनिकल एनर्जी बनती है या हीट एनर्जी बनती है। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का रोल है, रोल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब्स लाइट और दो किस्म का जो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है जो रिक्वायर्ड है, एक रेड लाइट और दूसरा ब्लू लाइट है। अच्छा, रेड और ब्लू लाइट है 680 से 700 नैनोमीटर उनका वेवलेंथ है। ये दो किस्म का जो लाइट है तो ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। और फिर लाइट क्या करता है, लाइट का क्या रोल है, तो लाइट जो है ये इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ जगहों पर। जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये वाटर को स्प्लिट करता है, H2O को कन्वर्ट करता है ये लाइट किस चीज़ में, H+OH में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो H है हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन जो है चला जाता है फिर स्ट्रोमा में। डिटेल रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो ये ऑक्सीजन सॉरी ये जो हाइड्रोजन है चला जाता है स्ट्रोमा में, फिर स्ट्रोमा में कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन प्लस जो इलेक्ट्रॉन है ये कंबाइन होते हैं, फिर कार्बन को रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो फोटोलाइसिस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर की स्प्लिटिंग हो गई किस चीज़ की वजह से, लाइट की वजह से, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में ये मदद देता है। उसके बाद हम कहते हैं ये लाइट जो है केमिकल फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसके बाद केमिकल से दोबारा फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है। अच्छा, तो ये हो गया रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड रोल ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके बाद अच्छा, और इस क्लोरोफिल के टाइप्स हैं हमारे पास, कौन कौन से टाइप्स हैं, अलग अलग जो है क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी सी डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इस तरह कैरोटीनॉइड्स ज़ैंथ्रोफिल वगैरह मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। उनमें हमारे पास है क्लोरोफिल ए जो सबसे एबंडेंट है, उसके बाद क्लोरोफिल बी भी है, क्लोरोफिल सी डी, क्लोरोफिल ई भी मौजूद है, क्लोरोफिल के टाइप्स हैं, फिर है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जो है क्लोरोफिल के टाइप्स है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के टाइप्स है, लेकिन जो क्लोरोफिल है सबसे इम्पोर्टेंट पिगमेंट वो क्लोरोफिल ए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड होता है वो क्लोरोफिल ए मौजूद है। जो
ये फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स है जिसको हम यूनिट फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये क्वांटोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम क्या है? कलेक्शन है किस चीज़ का? कलेक्शन ऑफ फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड पिगमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड जो कलर्स हैं, उनके कलेक्शन को हम क्वांटोसोम कहते हैं। अच्छा, अब ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये क्वांटोसोम किस चीज़ पर मुश्तमिल है? क्वांटोसोम ये सेंटर है, सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल ए के आसपास हमने पढ़ा कि बहुत सारे कलर्स, ग्रीन और सॉरी रेड और ब्लू के अलावा और भी बहुत जो है वेवलेंथ्स वो इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। क्लोरोफिल ए तो 700 और 600 के दरमियान जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन क्लोरोफिल ए के आसपास फिर क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स मौजूद हैं। तो ये क्लोरोफिल ए है और इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर है। हमारे पास ये क्या है? ये रिएक्शन सेंटर है। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं, जो पिगमेंट्स मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। और इसके हमने बहुत से टाइप्स पढ़े, क्लोरोफिल बी है, सी है, डी, इस तरह कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ेंथोफिल्स हैं। तो ये इनको हम कहते हैं ये क्या है? ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है। एक्सेसरी पिगमेंट्स में क्या क्या आता है? इसमें आता है कैरोटीनॉइड्स, इसमें आता है ज़ेंथोफिल्स, और भी बहुत सारे जो है पिगमेंट्स ऐसी हैं जिनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। अब इन एक्सेसरी पिगमेंट्स का रोल क्या है? 700 और 600 680 to 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है वो ये क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जो बहुत मुख्तलिफ किस्म के दूसरे वेवलेंथ का लाइट है ये क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उनके लिए ये एक्सेसरी पिगमेंट्स मौजूद हैं। अब ये एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? हेल्पिंग। इस एक्सेसरी का मतलब क्या है? हेल्पिंग पिगमेंट्स जो कि क्लोरोफिल की हेल्प आउट करते हैं लाइट की एब्जॉर्प्शन में। जो अदर रिक्वायर्ड पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट्स ये पिगमेंट्स जो है ये मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो रिक्वायर्ड जो कलर्स हैं, जो वेवलेंथ हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल इसने भी एब्जॉर्ब किया, बहुत सारे ये एक्सेसरी पिगमेंट्स वो रिक्वायर्ड लाइट दूसरे वेवलेंथ वाला है 680 700 के अलावा ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस एब्जॉर्ब लाइट को पास करते हैं रिएक्शन सेंटर जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए हमेशा होता है। तो लाइट एब्जॉर्ब किया इन्होंने, फिर उस एब्जॉर्ब लाइट को पास किया क्लोरोफिल ए में, जब सफिशिएंट लाइट यहाँ पर जमा हो जाता है उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो इस इन्होंने क्या किया? क्लोरोफिल ए की मदद की किस चीज़ में? लाइट की एब्जॉर्प्शन में और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस में। यही वजह है कि हम इसको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। उसके मुख्तलिफ सारे टाइप्स हैं, कैरोटीन्स, कैरोटीनॉइड्स है, ज़ेंथोफिल्स है, फाइकोबिलिन्स है, वेरिडिन वगैरह, सारी ये क्या है? ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है जो कि क्लोरोफिल की हेल्प आउट करते हैं। अब ये जो प्लांट्स का जो क्या है फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं ऑर्गेनाइज इन अ फॉर्म ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर, और उस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? एक ग्रुप होता है और उस पूरे ग्रुप को, इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स। दीज जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, उस क्लस्टर को हम कहते हैं फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम है। अब हमारे पास टू किस्म के फोटो सिस्टम्स हैं। फोटो सिस्टम के कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स। फर्स्ट को हम कहते हैं फोटो सिस्टम वन, या हम कहते हैं PS1। सेकंड जो हमारे पास टाइप है
उसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम टू, या सिंपली हम PS2 लिखते हैं, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू। तो ये दो किस्म के फोटो सिस्टम हो गए, और इनमें जो मेन चीज़ सेंटर में जो मौजूद है वो क्या है, वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इनका रिएक्शन सेंटर होता है, और फिर इस क्लोरोफिल ए के आसपास क्या है मौजूद, यहाँ पर एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल ए हुआ, और क्लोरोफिल ए के आसपास क्या है रिक्वायर्ड जो चीज़ें, उनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हो गई, और ये क्या है क्लोरोफिल ए, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर है। अब ये सारा जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, हम इसको कहते हैं। ये एक्सेसरी पिगमेंट्स प्लस क्लोरोफिल ए, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। और ये दो किस्म के हमारे पास फोटो सिस्टम्स हो गए। अब फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू दोनों का एक ही स्ट्रक्चर है, सेंटर में क्लोरोफिल ए है, आसपास एक्सेसरी पिगमेंट्स है। इस तरह क्लोरोफिल जो फोटो सिस्टम टू है उसमें भी सेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, उसके आसपास पर क्या है, आसपास उसके एक्सेसरी या रिक्वायर्ड जो पिगमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। फोटो सिस्टम वन क्या करता है, उसको हम PS1 और PS2। फोटो सिस्टम वन ये, इसको हम लिखते हैं P700। इसका मतलब ये हुआ कि ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। PS2 को हम लिखते हैं P680। ये 680 वाला वेवलेंथ का जो लाइट है एब्जॉर्ब करेगा फोटो सिस्टम टू। बस सिर्फ ये एक डिफरेंस है, बाकी सेम है। यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए सेंटर में होता है रिएक्शन सेंटर में, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए एज रिएक्शन सेंटर होता है। उसके बाद यहाँ पर भी एक्सेसरी पिगमेंट्स, और यहाँ पर भी एक्सेसरी पिगमेंट्स मौजूद हैं। वाहिद जो डिफरेंस है वो ये इस बहस पे है। फोटो सिस्टम 700 वेवलेंथ वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा, फोटो सिस्टम 2 जो है वो 600 वाला वेवलेंथ का जो लाइट है फोटो सिस्टम 2 उसको एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो रिएक्शन सेंटर है एक्सेसरी पिगमेंट्स है वो क्या है, वो सेम है। तो ये दो किस्म के पिगमेंट्स, सॉरी दो किस्म के फोटो सिस्टम हैं। पिगमेंट्स जो है क्लस्टर के शिकल में है, और उस क्लस्टर को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम वन है, फोटो सिस्टम टू है। PS1 700 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, PS2 फोटो सिस्टम टू 680 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद इनके आसपास ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है। इन एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम क्या होता है, 680 और 700 के अलावा और भी बहुत सारे कलर्स हैं जो रिस्पॉन्स जो रिक्वायर्ड है फोटो सिस्टम के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो वेवलेंथ वाला लाइट जो है ये एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद पास ऑन करते हैं किस चीज़ में, रिएक्शन सेंटर में। यहाँ से रिएक्शन पर यहाँ क्लोरोफिल ए के अंदर स्टार्ट होता है। तो रिएक्शन सेंटर में जब बहुत सारा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ये खुद एब्जॉर्ब करता है, कुछ ये एक्सेसरी पिगमेंट्स पास कर रहे हैं, तो फिर तब जाकर रिएक्शन जो है वो शुरू होता है, लाइट डार्क रिएक्शन उसके बाद स्टार्ट होता है। तो ये फोटो सिस्टम्स हैं।